परमात्मा राम की स्तुति भगवान से निर्मल मन के साथ भक्ति प्राप्त हेतु राघव सरकार हमारे हृदय में पधारे। हनुमान जी के चरणों की वंदना करके मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तिहाए, के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तिहाए। तब लग मोहे परखे हो तुम भाई, सह दुख कर्द मोल फल खाए। जब लगिया बोसी तह देगी, मोहे भाग मोहे हरस बिसेगी। यह कहनाय सबन कम आता, जने हरस ये धरे रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक क्रोध चढ़ो बार बार, रघुवीर सवारी कर क्यों पवन तनय पलवारी। हर जेहि गिरि चरण तेहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तोरंता। गिरि चरण तेर हनुमंता, चले सुगा पाताल तोरंता। यमोप रघुपति कर पाना, यही हाथ चलो है दुआरा। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, नाक होए सतारी। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय तिहाए। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय तिहाए। सुने हनुमंत हृदय तिहाए। सुने हनुमंत जामवंत जी की बात सबको बहुत अच्छी लगी। जाइए पता लगाइए, हनुमान जी ने सब लोगों से कहा आप लोग यहां मेरी प्रतीक्षा करना, मैं गया और आया। भाई किसी काम करने में जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना उसका फल भी पास में होगा। दृढ़ विश्वास जितना होगा कोई भी कार्य हो, हम जितने लगन और विश्वास से करेंगे तो उसका फल भी सामने होगा। हाँ, तब लग मोहे परखे हो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आवो सीत देगी, वो यही काज मोहे हरस बिसेगी। जब तक मैं माँ से मिलकर आऊं आप प्रतीक्षा करना। हनुमान जी चले, समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा आप जल से बाहर आइए। जिन पवन देव ने अपनी रक्षा की थी वे उनके पुत्र आ रहे हैं, आप आश्रय दीजिए। ये जो मैनाक पर्वत है, मैना का भाई है। मैनाक पर्वत को राजा हिमांचल का पुत्र है मैनाक। हनुमान ते ही परसा कर कीने प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। जब हनुमान जी चले अतल बितल सुतल सलातल महातल रसातल पाताल, देवता तो सब मेघनाथ के डर के मारे छुपे बैठे थे। और जब आदमी डरा हुआ होता है ना तो उसे लगता है कि अब ये जा रहे हैं, अब इनकी देखो का हो। जब आदमी डरा हुआ होता है तो खुद तो डरता है लेकिन दूसरन की भी सोचत कि हम तो कुटे कुटाए बैठे ही, अब देखो अब जी जा रहे हैं। इनके बल विक्रम को परीक्षा करना है। आदमी डरता है तो दूसरों को भी डराता है। हाँ, जब डरेगा तो दूसरे से भी मान लीजिए, मान लीजिए उतर लीजिए।
लेकिन क्या हुआ? जात पवन सुत देवल, जात पवन सुत देवल, जाने कहूं पर बोधिक से, जात पवन सुत देवल, बुद्धि का भाव कौन ले सकता है? कौन परीक्षा ले सकता है? कौन तौल कर सकता है? यहां सांपों की माता सुरसा, सुर माने देवता और सा माने जैसा, ऐसा स्वरूप आकर खड़ी हो गई। देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने को। अब आप सोचिए, हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूं देवताओं के काम से, और देवताओं के काम से मेरे प्रभु आए हैं, देवताओं ने मुझे खाने भेज दिया। हनुमान जी ने समझा कर कहा कि मैया, राम काज करके प्रभु के पास आऊंगा, माँ का पता बताया हूं, तब फिर लौट के आऊंगा तो खा लेना। सुरसा बोली, आहा, बानर बड़ा चालाक होता है, मुझे भूख आज लगी है, तू महीने भर में आएगा तब मैं खाऊंगी, ऊपर से ऊपर चली जाऊंगी, तू जाएगा किधर, नीचे से नीचे चली जाऊंगी। हनुमान जी ने बड़ी मनाई की, कब ने वो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहियो हनुमाना। लेकिन सुरसा शुरू हो गई, पहली बार एक योजन, एक योजन माने चार कोस, और एक कोस माने 3 किलोमीटर, इस प्रकार योजन 12 किलोमीटर का मुख बनाया। जो जन भर ते ही बदन पसारा, ओ कपितन कीन तुगेन बिस्तारा। 12 किलोमीटर का मुंह है सुरसा ने बढ़ाया, इतने करदाता तो 24 किलोमीटर के हनुमान जी हो गए, इतने अमझरा घाटी तक वृद्धा तक तो सुरसा ही ने मुंह बढ़ाओ, सो अमझरा घाटी तक हनुमान जी ने रूप बढ़ा। सो रहे जो जन मुख ते ही ठहरो, तो तुरत पवन सुत बत्तीस भय। सुरसा 16 तो हनुमान जी 32, जय हो। इस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सुरसा बदन बढ़ा रही है उससे दोगुना आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी बढ़ा है। और जब बढ़ते बढ़ते कोई बड़ा हो जाए ना, तो फिर उसको छोटा ही बनने में सार है। कितने बड़े हो गए, बढ़ गए तो फिर घटो, माइनस में जाओगे। जब सत जो जन ते ही आनंद की ना, 100 योजन का जब मुख बढ़ाया सुरसा ने, इसलिए कि समुद्र है 100 योजन का, समुद्र की लंबाई 100 योजन है, और 100 योजन का मुख बढ़ा दिया कि इस 100 योजन पार कर सकते हैं अथवा नहीं। अति लघु रूप पवन सुतली, 100 योजन का मुख किया हनुमान जी ने, छोटा सा रूप बना लिया, और क्या किया, बदन पेट पुनि मायर आवा मागा विदाता, आवा
अब हनुमान जी ने सोचा कि हमें तो देर लग रही है, अगर हम इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन बड़े होते होते तो हम वहीं पहुंच जाएंगे, बड़े होते होते तो जहां से आए हैं वहीं पहुंच जाएंगे। तो राघव सरकार सोचेंगे कि हमने भेजा तो था तुम्हें किस काम के लिए, तुम वापस यहीं आ गए। भाई ज्यादा बड़ाई करोगे ना एक दूसरे की, तुलनात्मक दृष्टि से कह रहा हूं, ज्यादा दूसरे को उसकी बड़ाई के अनुरूप काम करोगे तो वापस भी लौट सकते। हनुमान जी तुरंत छोटे हो सुरसा के मोह में पहुंच गए, निकल के आ गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरश चले ओ हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न भाव से राम की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। क्या हुआ अब, निश्चर्य एक सिंधु महु रही कर माया नभ के खग गही। जितने भी जीव जंतु आकाश में उड़ते हैं उनकी छाया से पकड़ के खा जाती है, क्योंकि रावण का सुरक्षा चक्र बड़ा जबरदस्त था, लंका में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। जब सिंहका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को खींचना प्रारंभ किया, हनुमान जी समझ गए ये जो सिंहका है ये राहु की माता है। हनुमान जी समझ गए और एक मुठका सिंहका के सिर पर रख दिया और उसका काम ही तमाम हो गया। ताही मार मारो तो सुति वीरा पार धी पार गये मति धीरा, तहां जाए देखी बन सो जाम बंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति हाय, जाम बंत के बचन सुहाए।